नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको एनसीईआरटी बेस्ड एनर्जाइज्ड टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 6 के यूनिट 6 की एक कहानी न्याय के बारे में कहूँगी, तो गौर से सुनिएगा। पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरे इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। चूंकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरे अलग रख ली, फिर एक घड़े में बची हुई मोहरे डालकर तेल भर दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया, उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रख कर जाना चाहता हूँ, मक्का से लौट कर ले लूँगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए और जब आप लौटें तो उसी स्थान से ले लीजिए। अली ख्वाजा घड़ा रख कर यात्रा के लिए निकल गया। एक दिन वाजिद के घर दावत थी, तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। रात का समय था, वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी, तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाना में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए, इस समय बाजार तो बंद है, कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे, ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेंगे। बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरे थी। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया और तेल लाकर बीबी को दे दिया। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। उसे वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रख कर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बात बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहर नहीं थी। वह सोचने लगा, अब क्या किया जाए। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरे मांगने लगा। वाजिद ने कहा कि सिलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रख कर गए थे, मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया, मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने की मोहरे थी। दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वह ही आपके झगड़े को मिटा सकता है। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहां से निराश लौटना पड़ा। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। एक सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया था। खलीफा एक दिन अपना भैंस बदल कर शहर में घूम रहे थे, तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वह छिप कर उनका खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है बड़ा समझदार है, वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है। इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। लड़के ने कहा, मेरा नाम हसन है। खलीफा ने कहा, मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो, कल हमारे दरबार में आना।
अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी, फिर उसने दो तेलियों को बुलाया। थोड़ी देर में दो तेली आ गए। हसन ने उनसे कहा, आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा, फिर अपना निर्णय दिया। घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज्यादा नहीं, वे बोले। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा, हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, तभी मैंने तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा, आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरे निकाली है, आप उन्हें वापिस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतिए। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा की। तो देखा बच्चों, इस कहानी में चातुर्य की बात है। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोना मोहरे मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा के जाता है। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरे नहीं मिलती, वह काजी से फरियाद करता है। अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरे वापस दिलवाता है। यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमता की एक झलक देती है। आभार। थैंक यू।